बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नालंदा के बाल लखीसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मोदी नीतीश हैं तो विकास है, राजद है तो विनाश है। नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बनाकर के सरकार क्यों तोड़ दी, क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रहकर के सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चलेंगे तो सुशासन आएगा। नीतीश जी ने ध्यान रखा, ये उनको समझना है। इसलिए इनसे बचो, और अराजक तो है ही, साथ में दोस्ती गांठ ली माले से, मार्क्सिस्ट लेनिन से, जो विध्वंस के जाने जाते, जिन्होंने रोहतास के इलाके में और आपके इलाके में विध्वंस, गोपाल जी के इलाके में इतना विध्वंस किया, इचरी कांड भूल गए क्या? जब राम सेवकों को गोली से भून दिया गया था क्या? पिपरा कांड भूल गए क्या? जब लोगों को जिंदा जला दिया गया था, और ये दंडनाते रहे। मित्रों, बिहार का चुनाव सिर्फ श्रवण कुमार जी का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव डॉक्टर सुनील का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें से मिल गई कांग्रेस पार्टी। आजकल मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी किसकी वकील बनी हुई है। राहुल गांधी धारा 370 पर बोलते हैं, और इमरान खान राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएनओ में जाकर के बोलता है, देखो राहुल गांधी बोल रहा है। यानी ये भारत की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत की निंदा करता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। मित्रों, ये रोजगार की बात करते हैं, जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे वो रोजगार देंगे? ये बुलावे में रखने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए के कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं।